हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अचारी भिंडी बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। हमने भिंडी लिया है, आधा किलो है ये भिंडी। हमने इस तरीके से काटा है, देख सकते हैं। बीच में चीरा लगाया है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है भिंडी। ये भिंडी में दो भाग तीन भाग करना है। और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, हींग है, आमचूर पाउडर, कलौंजी मसाला है, सब सौंफ हमने 2 चम्मच लिया है, 1 चम्मच जीरा है, धनिया आधा चम्मच है और आधा चम्मच कलौंजी है, मंगरेल बोलते हैं इसको, कोई कलौंजी बोलते हैं, और लाल मिर्च है, खड़ी लाल मिर्च मैंने लिया है 4। इन सबको भून के मैंने पीस लिया है, पीस के मैंने पाउडर बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। करीब 2 चम्मच से ज़्यादा है, थोड़ा 2.5 चम्मच के लगभग है। और हमने तेल लिया है, सरसों का तेल है। मसाला अच्छी तरह से भून के फिर उसको पीसना है, बिल्कुल ड्राई, उसकी नमी ख़त्म होने तक। अब हम बनाते हैं, पैन में हमने तेल चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम बनाएंगे, पैन में तेल गरम है। अब हम 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसको हम काट के डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, इस तरीके से डालना है दो दो भाग करके। हींग तो मैंने मसाले में डाल रखा है, अमचूर पाउडर भी डाल रखा है। फिर थोड़ा सा हींग और डालेंगे हम, बहुत ज़रा सा, 1 पिंच के लगभग, देख सकते हैं। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। हल्का से इसको चलाते हुए भूनेंगे 2 मिनट। अचारी भिंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है, खासकर बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप लंच बॉक्स में, टिफिन में दे सकते हैं। अब हम भिंडी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे भिंडी। मैं इसको चलाएंगे, नमक हमने अचारी मसाले में सब कुछ मिक्स कर लिया है, हींग और नमक भी है इसमें, अमचूर पाउडर भी है। यदि ज़्यादा खट्टा खाना हो तो आप अलग से डाल सकते हैं अमचूर पाउडर। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए नमक। तो हमने 2-2.5 चम्मच लिया है मसाला, इसको हम अभी 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि पका है कि नहीं। पकने के बाद हम अचार मसाला डालेंगे। भिंडी लगभग हो गई है, मैंने 5 से 10 मिनट पकाया है इसको, ढक के बीच बीच में देखना है इसको पका है कि नहीं पका है, और लगने ना पाए भिंडी। अब हम इसमें अचार मसाला डालेंगे, अचारी मसाला, हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे। इस मसाले में नमक और आमचूर सब मिला हुआ है, हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। 2.5 चम्मच मसाले थे मेरे। अब इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। अचारी भिंडी बनके तैयार है, इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाई कभी अचारी भिंडी, तो एक बार ज़रूर बना के देखें, ट्राई करें। खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है भिंडी। दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं आप, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है। हमने सर्व कर लिया है अचारी भिंडी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।